आज महर घंटा घर में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए और चेताया कि प्रदेश सरकार ने जो वायदा वचन पत्र में किया था उसे जल्द पूरा करें, उसे जल्द पूरे महर शहरी और ग्रामीण वासियों को अघोषित बिजली से मुक्त करें। महर में काम करने वाली कंपनी उद्योग CSR मद जनहित अर्थ में लगाए और चेताया अगर समय रहते प्रदेश सरकार अपने वादों में खरी नहीं उतरती तो विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच राज्यपाल के नाम महर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप जल्द निराकरण की मांग की गई है। क्या की मांगों को लेकर हमारे टोटल ज्ञापन पत्र में 13 बिंदु थे, 11 बिंदुओं पर हमने सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में 12 दिन पहले अनुभागीय दंडाधिकारी SDM साहब को, नगर पालिका के अध्यक्ष धर्मेश भाई जी को और CMO नगर पालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी को दिया था। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आज सांकेतिक धरने के रूप में सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा की टीम ने आज चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरह से इन 13 बिंदुओं पर हमारे अगर तत्काल निराकरण नहीं होता तो आगामी 12 जुलाई को ऐतिहासिक SDM कार्यालय का घेराव किया जाएगा और पूरा का पूरा युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा और लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।